अरे भाई भाई कंते भाई क्या मारा तू भाई पिछले वाला दो तीन चीजें तो भाई चेंज चेंज आई मीन यो सो हे व्हाट इज अप गाइस वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज का जो गेम प्ले एक फुल स्क्वाड गेम प्ले होने वाला है एंड गाइस हम चारों जो ये स्क्वाड में खेल रहे हैं चारों ही एक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। इनमें से आप कोई लोगों को जरूर जानते भी होंगे एंड यहाँ पे हम इतना अच्छा गेम निकालेंगे ना, ये एक हाई किल गेम प्ले होने वाला है। सो जरूर देखना। सो सिचुएशन ये है, मेरे सामने ना एक कॉड है वेयर हाउस में, या तो वो जाता है एक बॉट मारने लेकिन वो बॉट की वजह से वो मेरे से डैमेज खा लेता है। तो मेरे को पता है भाई वो लो है तो मैं डायरेक्ट पुश करता हूँ एंड इधर मैं उसके फुटस्टेप ले रहा होता हूँ लेकिन साथ में मेरे को नॉक बंदा देखता हूँ, मैं नॉक बंदे को फिनिश करता हूँ, साथ में ही आगे आता है एंड पीछे पहले मेरे को लगता है असली बंदा लेकिन ये बॉट होता है, लेकिन फिर अगेन मेरे को पीछे से शॉट आते हैं लेकिन इस बार ये असली बंदा होता है। लेकिन मैं ऑलमोस्ट इससे डाउन होने वाला था लेकिन ड्यू टू गुड एम मैं उसको इजिली नॉक डाउन कर देता हूँ। हेडशॉट का यही फायदा होता है गाइस। सो यहाँ पे हम एक फुल स्क्वाड कंप्लीट कर देते हैं एंड जॉर्जो में स्टिल एक स्क्वाड बची है। एंड गाइस आज का गेम प्ले मैं कभी ऐसे नहीं लेके आया हूँ कि एक पूरा यूट्यूबर्स का स्क्वाड हो, मैंने पहली बार ऐसा ट्राई किया। तो आई होप आपको ये गेम प्ले अच्छा लगे एंड बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट्स होंगे ये गेम प्ले में। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड एज ऑलवेज आप कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो गाइस सिचुएशन यहाँ पे ये बन जाती है कि एक बंदा टावर से मेरे प्लेयर्स को एक जगह फंसा के रखा होता है और तीन बंदे पुश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम डिसएडवांटेज पे हैं लेकिन मेरी पोजीशन उन्हें नहीं पता। सो मैं टावर के पास इधर आता हूँ और इधर से उस प्लेयर को नॉक करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे प्लेयर्स को तंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको ईजी नॉक कर देता हूँ एंड वहाँ पे मेरे प्लेयर्स अब फ्री हैं, वो ओपन पुश कर सकते हैं। एंड अभी उनकी तरफ से मेरे को कॉल आती है कि प्लेयर्स हमारे आ गए हैं, तो मैं एक फ्लैंक करता हूँ ताकि मैं उन प्लेयर्स की बैक पे आ जाऊँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने एक फ्लैंक किया एंड सामने मेरे ओपन में प्लेयर्स हैं। ये प्ले उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये स्क्वाड ने। तो यहाँ पे इजी मैं दो नॉक्स निकल ले लेता हूँ एंड एक प्लेयर और नॉक है जिसको आपने देखा था मैंने अभी टावर से किया था, तो वो भी नॉक है, एक ही प्लेयर बचा है। तो अभी मैं टावर की तरफ क्लोज इन करूँगा एंड अभी हम ये स्क्वाड फिनिश करेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस द नेक्स्ट सिचुएशन ये बनती है, जॉर्जो क्लियर करने के बाद मेरे प्लेयर्स सिटी पुश करते हैं लेकिन मैं लूट रहा होता हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट होता हूँ लेकिन मेरे लेट आने से थोड़ा फायदा होता है। तो यहाँ पे पायो पुश करता है लेकिन एक प्लेयर कोना पकड़ में ऐसे बैठा होता तो इसको नॉक कर देता, मेरे को पहले इसकी पोजीशन नहीं पता होती लेकिन प्लेयर को आगे आना है उसको फिनिश करने के लिए। तो सिर्फ मैं यहाँ पे रैंडम फायर देता हूँ ताकि वो प्लेयर डर जाए, तो वो आता नहीं है। एंड ये प्लेयर बहुत अच्छा एकदम फ्लैंक एंगल से आता है लेकिन मैं इसे देख लेता हूँ, मेरे यहाँ होने की वजह से इनको नॉक नहीं कर पाता। मैं कंटिन्यू यहाँ पे फायर देता हूँ एंड वो कोशिश करता है कि वो एक पीक में लेगा नॉक लेकिन मैं उसे एक हेडशॉट मार देता हूँ एंड ईजी नॉक कर देता हूं। एंड आफ्टर दैट गाइस अभी क्लोज रेंज फाइट ही है एंड आई गेस मेरे को आप क्लोज रेंज फाइट तो बतानी नहीं है यार, क्योंकि आप सभी बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हो ऑलरेडी एंड यहां से आप आराम से फाइट एंजॉय करिए एंड लेट्स मूव ऑन। ओए दादी वाइप दे रहा कितना नॉक हो गया। भाई 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 कंते भाई क्या मारा देख ले भाई। पूल में मिनी कौन सा लगा? पूल में शायद, हाँ पूल में है वो। वो देखो बॉल पे भाई बॉडी मारा मरा तू। वो आओ ना पुश कर। बॉडी लगी यार हट। Enemies ahead. अरे ये ऊपर भी है। ये स्विमिंग पूल में निकाल लेना।
टैंगर निकाल लेगा सीमेंट को वाला नहीं नहीं सो गाइस आपको पता होगा यहाँ पे दो स्क्वाड्स थी क्योंकि एक स्क्वाड वहाँ पे भी थी राइट हैंड साइड रिच पे तो वो स्क्वाड इधर ही क्लोज में छुप के बैठे होते हमको नहीं पता होता एंड वो हमारे दो प्लेयर नॉक कर देते एक लेफ्ट हैंड साइड एक बंदा नॉक कर देता है एक राइट हैंड साइड लेफ्ट वाले को पाइयो संभाल लेता है एंड मैं राइट में स्निकी को बचाने आता हूँ लेकिन वो हरामी फिनिश कर देता है उसे तो यहाँ पे मैं उसके एक प्लेयर को नॉक देता हूँ एंड आफ्टर दैट एक प्लेयर आगे ही एक वॉल पे है तो मैं भी वो प्लेयर की तरफ घुस रहा होता हूँ एंड मैं साथ साथ में यहाँ पे फ्री फायर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं होता उसका एग्जैक्ट पोजीशन मेरे को होता है यहाँ से वो जंप करके मेरे को नॉक ना कर दे तो यहाँ पे मैं निकल रहा होता हूँ लेकिन मेरे वहाँ पर जाने से पहले ही पायो खत्म कर देता है तो यहाँ पे पूरा स्क्वाड डेड हो जाता है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन वंस अगेन एनिमीज अहेड WTF क्या गलत किल मिल रहा है एक को ले लिया पाइयो ने नॉक फिनिश भाई ये चार शॉट लगाए लेटे बंदे पता है लीडर बॉय अबे रुक कम करने दे फिनिश फिनिश एग्जी सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंदे ने जब स्मोक किया तो पीछे से स्नाइपर टावर ब्लॉक हो गया तो हम उतरते हैं इजीली यहाँ पहले तो हमने सोचा था कि पीछे वाली पहाड़ी पे जाएं लेकिन जब ये स्मोक हम देखते हैं हमको पता था कि हम स्नाइपर टावर से कवर ले लेंगे ये स्मोक की वजह से तो यहाँ पे मेरा यार थोड़ा अभी नेट हगेगा और पाई उसकी वजह से हो जाएगा नॉक तो यहाँ पे एक प्लेयर आ गया आता है जिसके ऊपर मैं गोली चला रहा होता लेकिन गोली चलती नहीं है क्योंकि नेट दे देख रहे हैं आप कैसे लैग हो रहा है तो मैं पीछे आके लेट जाता हूँ ताकि मैं फिनिश ना हूँ क्योंकि यार मेरे को वीडियो डालनी थी यूट्यूब पे तो यहाँ पे मैं प्री फायर दे दूँ ताकि पायो पीछे आ जाए एंड मोलोटोव वो बंदा फेंकता है लेकिन वो कनेक्ट होती नहीं है एंड उसका आखिरी प्लेयर लिट बॉय मार देता है इसके बाद एक ही प्लेयर बचा है जिसको मैं अभी आपको दिखा दूंगा कैसे मारा है एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वो भी थोड़ा हंसी वाले समेट मारा था तो देखना ज़रूर एंड लेट्स सी हाँ हाँ वो मेरे को मैसेज किया उसको 12 बजे जाना है बोला था ओके देख 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 आगे भाई क्या करे इसका देखा इधर लेटा है मत एनिमीज अहेड अरे मेटअप करके जैसे आएंगे उसे मार दो ताले मत देखने तो दे अरे देख भाई किल चोर भाई किल चोर एक्सलरेट किल चोर बहुत शर्म नहीं आती है भाई भाई गजब किल चोरी किया है